हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए पांच बड़े शेयर जिनको कहते हैं ब्लू चिप शेयर, यानी कि लार्ज कैप सेगमेंट की, ये पांचों शेयर्स जिनमें बन रहा है खरीदारी का मौका, यानी कि ये पांचों शेयर अपने क्रिटिकल पॉइंट पे खड़े हैं। पैसा कमाने का मौका है तो इन्वेस्टमेंट का मौका, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मौका ही मौका दिख रहा है इन शेयर्स में। बड़े शेयर्स हैं, कुछ शेयर्स आपके फेवरेट होंगे, लेकिन हर शेयर को आप जानिए, देखिए उनके पॉइंट को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप शेयर मार्केट में नए हो या फिर ज्यादा ब्रोकरेज दे के परेशान हो, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सस्ती ब्रोकरेज वाले डीमैट अकाउंट्स के लिंक से आपको जिन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी तो आप सस्ती ब्रोकरेज के साथ साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। सीधे लेके चलता हूं आपको स्टॉक की तरफ। पहला स्टॉक हमारे पास इस लिस्ट में है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लार्ज कैप का स्टॉक, बड़ा शेयर जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.5 लाख करोड़ हो चुका है, लेकिन ये स्टॉक अपने काफी क्रिटिकल पॉइंट पे खड़ा है और ब्रेकआउट के बिल्कुल नजदीक खड़ा है। शेयर बढ़िया, नो डाउट। अगर आप देखो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक में जब आते हैं बात, तो एचडीएफसी बैंक सबसे पीक पे है, लेकिन एचडीएफसी बैंक में करेक्शन चल रही है, आईसीआईसीआई बैंक गिरने का नाम नहीं ले रहा और बहुत ही मजबूत स्थिति में ये खड़ा है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है शेयर में इन्वेस्टमेंट करना। अगर मैं बात करूं यहां पे, देखिए 2018 जुलाई 2018 के बाद इस शेयर ने जो पकड़ दिखाई है आपको, आप देख सकते हो कि अक्टूबर 2018 में जहां पे मार्केट बिल्कुल नीचे आ रही थी, तो आईसीआईसीआई बैंक पे उसका कोई असर नहीं पड़ा, हल्की फुल्की करेक्शन होती रही। और इस करेक्शन के बीच में ये वीकली चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस करेक्शन के बीच में आपने देखा होगा, ये देखिए ये जो आपको ज्वाइंट देखने को मिल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है, उसके बाद फिर से ज्वाइंट देखने को मिला है और इस तरीके से स्टॉक काफी मजबूती से जंप करता करता आज की डेट में 550 के लेवल पे चला गया। और अब जो इसमें मौका इसीलिए दिख रहा है कि ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट के नियर है और इस स्टॉक में 550-552 की लेवल के बाद एंट्री का मौका जरूर दिख रहा है, 552 के लेवल के बाद। तो इसको भाई अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेकआउट के नियर स्टॉक खड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल। और इस तरीके से आपको टाइम टू टाइम मौके मिलते रहते हैं, बस मौके का फायदा उठाना पड़ता है। और कभी भी अगर आप देखें, अगर मैं ब्रेकआउट की बात करता हूं, तो इससे पहले के ब्रेकआउट को अगर मैं नजर डालता हूं, तो 440 के लेवल पर जब ब्रेकआउट आया था, तो सीधे स्टॉकों को ये 550 के लेवल तक ले गया था, और अब 550 के लेवल का ब्रेकआउट आने को ही है। देखिए ये तो पहला स्टॉक था हमारी लिस्ट का, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप इस स्टॉक को देख सकते हो, ये तो वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा था मैं, लेके जाता हूं आपको डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए, लो इसने 500 के लेवल का भी रिसेंटली बनाया था 1 फरवरी को, और उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे जंप करता हुआ यहां पे फिर से एक ज्वाइंट बनता हुआ हमारा, और 550 का लेवल, उससे पहले थोड़ा सा मैं कहूंगा ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, इसीलिए ये 550-552 का लेवल क्रॉस होना बहुत जरूरी है, और ये बिल्कुल अपने उसी टाइम फ्रेम के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 4-5 रुपये नीचे ही है, तो रडार को मैं ऐड कर लीजिए इसको। हम चलते हैं आपको अगले स्टॉक की तरफ, जो हमारे पास है आईसीआईसीआई के बाद डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है, 90,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन स्टॉक की खास बात यह है कि ये स्टॉक भी अपनी बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल को पार करके कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। डाबर इंडिया, अगर आप देखो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तबाही मचा रखी है, और वो स्टॉक ऐसा जंप किया कि आज की डेट में बहुत ही पीक पे पहुंच चुका है, लेकिन डाबर इंडिया भी कुछ कम नहीं है। देखते हैं डाबर इंडिया के शेयर को अभी के टाइम फ्रेम में क्या कुछ चल रहा है डाबर इंडिया में। डाबर इंडिया शेयर मजबूत है, मजबूती के साथ खड़ा, और पिछले कुछ टाइम में जो रिटर्न दिया है वो काबिले तारीफ है, खास करके 2017 के बाद देखिए रिटर्न, इस पे बीच में करेक्शन जरूर आया था, लेकिन करेक्शन ये 2019 मई के बाद, यानी कि 1 साल से पहले, देखिए ये बिल्कुल बॉटम पॉइंट बनता है। और ऐसी चीजें आपको समझने की जरूरत है, जो ये आपके ज्वाइंट कैंडल्स बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कैंडल होते हैं, और इस ज्वाइंट कैंडल के बाद सोचिए कि 375। कभी भी जब हम ज्वाइंट कैंडल के बेसिस पे स्विंग ट्रेड ले रहे हैं या फिर लॉन्ग में एंट्री ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो इस तरीके से करेक्शन के बाद आपको ज्वाइंट जरूर देखने को मिलता है। एंट्री का पॉइंट होता है इस ज्वाइंट के पीक के बाद, यानी कि अगर इस ज्वाइंट के बाद आप एंट्री लेना चाहते थे वीकली टाइम फ्रेम को देखते हुए, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 357 के लेवल का, और एंट्री का पॉइंट आपका 377 के बाद आपकी एंट्री, तो देखिए उसके बाद आप स्विंग लो या कुछ भी लो, क्या रिजल्ट आपको मिला है देखिए। उसके बाद फिर से एक आपकी ज्वाइंट कैंडल बनी है, जो कि ये 17 जून की बनी है, 17 जून वाले वीक में है, तो इसमें भी मैं अगर एंट्री आपको दिखाऊं तो देखिए 404 का एंट्री पॉइंट दिखता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 376। तो इन पॉइंट को आप तभी समझ सकते हो जब आप टेक्निकल एनालिसिस को समझोगे, और उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, और इस वीक में मुझे फिर से ये ज्वाइंट कैंडल बनती हुई दिख रही है, और नेक्स्ट वीक में अगर ये स्टॉक पार करता है 516 के लेवल को, तो हमारी ये ज्वाइंट कैंडल बनेगी, कंप्लीट हो जाएगी ज्वाइंट कैंडल, क्योंकि इसके प्रीसीडिंग और इसकी फॉलोइंग कैंडल जो है
वो आपका पूरा का पूरा ये ज्वाइंट को एक ज्वाइंट के अगल बगल की स्विंग्स होंगी। तो ये ज्वाइंट कैंडल बनते ही आप ये देखोगे कि हाँ भाई इसका लेवल 516 का है हाई विद स्टॉप लॉस ऑफ मैं कहूंगा 490 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस है। तो ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है। और स्टॉक ऑलरेडी जो है ब्रेकआउट इसमें जो 490 का ब्रेकआउट था स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ने पुल बैक भी लिया है और पुल बैक करके वहीं पर आया है। तो ये काफी अच्छी स्थिति में अभी मौजूद है ये डाबर इंडिया के शेयर को हमने देखा। डाबर इंडिया के अलावा हमारे पास और जो शेयर है उसको देखते हैं, उस पर नजर लगाते हैं, वो है हमारे पास इंफोसिस लिमिटेड। इंफोसिस लिमिटेड बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है अगर आईटी सेक्टर की बात की जाए, लेकिन जो कंप्लेंट आई थी विशल बुआ की उसके बाद स्टॉक ने बिल्कुल बहुत ही नीचे लेवल पे गिरावट देखने को मिली थी। जरा देखिए वो लेवल की गिरावट, काफी नीचे शेयर आ गया था, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बात करूं इंफोसिस का टेक्निकल की बात करूं तो देखिए बहुत मजबूत स्थिति में स्टॉक पहुंच चुका है। वीकली चार्ट की हम बात करेंगे क्योंकि अभी हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल में बहुत टाइम से स्टॉक का नहीं कह के आ रहा था कि ये स्टॉक का 493 का लेवल पार होना काफी जरूरी है। और कहां से हम वो 493 की बात कर रहे थे, क्योंकि ये इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये बियरिश जॉइंट बन रहा है, लेकिन ये लेवल जैसे ही पार हुआ स्टॉक में मजबूती देखने को मिल रही है। ऑलरेडी गैप को फिल कर चुका है, डाउन साइड से बहुत ही मजबूत स्थिति में ऊपर आया है। और अभी अगर आप इसमें बाइंग लेते हो तो आपके पास जो है स्टॉप लॉस ये जो रीसेंट जॉइंट कैंडल बनी है उसके बॉटम पे यानी कि 766 से 765 के आसपास का आपके पास स्टॉप लॉस बनता है। और टारगेट इनिशियल टारगेट तो आप 843 से 850 का रेंज जो लास्ट हाई था वो बनेगा, और फिर हम उसके बाद ब्रेकआउट की सोचेंगे। ये इंफोसिस का शेयर है जिसके हमने वीकली चार्ट की बात करी। उसके अलावा मैं अगले शेयर की तरफ आपको लेके चलता हूँ जो हमारे पास है बायोकॉन लिमिटेड। बायोकॉन एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है अगर मैं बात करता हूँ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड रिसर्च सर्विसेज। इंफोसिस की जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है किरण मजूमदार शॉ वो इसकी मेजर प्रमोटर है। 37,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 315 का प्राइस, लेकिन इस शेयर में मुझे काफ़ी मजबूती दिख रही है। प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ बहुत ही बढ़िया, लेकिन शेयर में जो मजबूती दिख रही है जरा वो आप भी देखें। मजबूती के साथ साथ जो क्रिटिकल पॉइंट पे शेयर खड़ा है वो इंपॉर्टेंट है, और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई शेयर जो है अगली रैली के लिए स्टार्ट हो रहा है। देखिए इस स्टॉक को भी मैं आपको वीकली लेवल पे जाऊंगा और आप देखिए कि किस तरीके से 200 रुपए के लेवल से स्टॉक बहुत ही मजबूती से ऊपर आ रहा है। और अभी के टाइम फ्रेम में जो मैं देख पा रहा हूँ ये शेयर अपने क्रिटिकल लेवल यानी कि 315-316 का जो इसका लास्ट ये कंसोलिडेशन जोन था उसको पार करने वाला है। आप कंप्लीटली देख सकते हो कि हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल रही है। और स्टॉक का अगर मैं बात करूँ टारगेट की तो टारगेट मुझे यहाँ पे सीधे सीधे 350-360 का टारगेट देख रहा है, और इस लेवल के आसपास जो है वो कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकती है। मतलब क्या कंसोलिडेशन, अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक जो है अगली रैली के लिए स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इंपल्स इसमें ऑलरेडी यहाँ 216 के लेवल से स्टार्टेड है। ऑलरेडी देखिए सितंबर 2019 के बाद स्टॉक ने मजबूती दिखाई है और ऑलरेडी 100 रुपए के आसपास का जंप ये दे चुका है बायोकॉन का शेयर। नो डाउट वॉल्यूम बिल्टअप बहुत जबरदस्त है इसके लेवल के बाद। आप देखिए बाइंग टावर्स बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो ये इंपल्स लग स्टार्ट हुई है इसमें। अब चलते हैं हम अगले शेयर की तरफ जो हमारे पास है फाइनल शेयर जो है पांचवा शेयर मैं इसको कहूंगा L&T इन्फोटेक लिमिटेड। L&T इन्फोटेक लिमिटेड काफी क्रिटिकल पॉइंट पर आ चुका है, 2000 का लेवल इसका है, जीरो डेट की कंपनी है, आईटी शेयर में बढ़िया शेयर बढ़िया सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के साथ है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं टेक्निकल की, टेक्निकल देखना बहुत जरूरी है भाई, टेक्निकल समझना है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस ये अगर आप समझने लग गए तो काफी इंपॉर्टेंट। स्टॉक देखिए अपना ब्रेकआउट ऑलरेडी कर चुका है जो कि 1960-70 के आसपास का लेवल था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था इसके बारे में, कई बार मैं वीडियो भी बना चुका हूं उसके बारे में। और ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। अभी मैं कहूंगा अगर आप एंट्री की इसमें सोच रहे हो तो आपका जो लास्ट वीक का जो 2050 यानी कि 2050 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। आफ्टर क्रॉसिंग दिस लेवल दिस द नेक्स्ट रैली विल स्टार्ट, ऐसा लग रहा है स्टॉक में फिलहाल मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप इस लेवल के बाद अगर आप एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो लास्ट वीक का जो ये इंडिसीजन नहीं कहूंगा मैं इसको, जॉइंट कैंडल कहूंगा, ये ऊपर क्लोज होता है तो ये लेवल आपके लिए जॉइंट 1934 से लेके 1920 के आसपास ये आपकी स्टॉप लॉस रेंज हो सकती है। तो यहाँ पे हमने पांच स्टॉक्स डिस्कस किए जो कि टॉप के स्टॉक है, सब अपने ब्रेकआउट लेवल के पास है और एंट्री के मौके सब में देखने को मिल रहे हैं, और उनके स्टॉप लॉसेस दिखाए, उनके एंट्री पॉइंट्स दिखाए जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, देखिए ICICI बैंक लिमिटेड, डाबर इंडिया हमारे पास है, इन्फोसिस हमारे पास है,
है, उसके बाद बायोकॉन हमारे पास है और एलएनटी इन्फोटेक। इन पांचों शेयर्स को अपनी रडार पे ऐड कर लीजिए, देखिए इन पे, क्योंकि तो यहाँ पे ये टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं और अपनी उन मेजर पोजिशन पे खड़े हैं जहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त उछाल इनमें आ सकता है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इस तरीके से अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।